अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल हॉरर सेंटर। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए हॉरर सेंटर को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक कवारी लड़की के पेट से जन्म लेने वाले शैतान के बेटे की दहशतनाक कहानी, शैतान का बेटा पार्ट वन। मेरे लबों से अचानक ही एक तवील चीख निकल गई। मैं थरथरा कर उठ बैठी। मेरी आंखें शिद्दत खौफ से फैली की फैली रह गईं और मेरा सीना लोहार की धुंकनी बन गया। मेरी सांसें गोया उखड़ने लगी थीं। अचानक ही दरवाज़ा खुल गया। मेरे अब्बा, अम्मी और भाईजान शदीद बौखलाहट में मेरी तरफ लपके थे। क्या हुआ, क्या हुआ अतिया बेटी, ये कहते हुए उन्होंने मुझे अपनी आगोश में समेट लिया। मेरा जिस्म शाख बरीदा की तरह कपकपा रहा था। मेरा माथा और चेहरा पसीने के मोटे मोटे कतरात से लबरेज हो चुका था। भाई जान ने मुझे लिपटाने से पहले ही कमरे की लाइट ऑन कर दी थी। कहो बेटा, क्या हुआ तुम्हें, क्यों चीखी थी तुम, अम्मी मेरे गाल चूमते हुए बोली। अम्मी वो आफताब, मैं सहकते लहजे में बोली और मतलाशी नजरों से कमरे के एक एक कोने को तकने लगी। आफताब, कौन आफताब बेटा, अम्मी बौखलाहट में मुबतला हो गई। इतनी सी देर में अरशद भाई मेरे लिए फ्रिज से ठंडा पानी लेकर पहुंच चुके थे। लो अतिया, पानी पियो। मैं एक ही सांस में पूरा भरा हुआ ग्लास पी गई। बेगम जरा अतिया को छोड़ दो, अबू ने अम्मी से कहा और अम्मी ने मुझे छोड़ दिया। लेट जाओ बेटी, अबू मेरे सर पर शफकत से हाथ फेरते हुए बोले। मैं महसूस किए बिना ना रही कि अबू के लहजे में कितना दर्द था। हम सब तुम्हारे पास हैं बेटा। हाँ हाँ शाबाश, लेट जाओ और चंद लम्हों के लिए आंखें बंद कर लो। मुझ पर चादर डालते हुए अबू ने जुमला मुकम्मल कर दिया। रात के 3 बज रहे थे। हर तरफ अबदी सकूत छाया हुआ था। कहीं से किसी किस्म की कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। यह बहुत अच्छा हुआ था कि भाईजान ने कमरा पहले ही रोशन कर दिया था। रोशनी में भाभी के अलावा सभी को अपने करीब पाकर मुझे एक गोना सुकून मिल गया। भाभी अपने दोनों बच्चों के साथ मेके गई हुई थीं। अरशद भाई रात के 1 बजे अपनी ससुराल से लौट आए थे। उनके पहुंचने से पहले हम VCR पर पाकिस्तानी फिल्म डाकू रानी देखते रहे थे। अब्बू, आफताब मार डालेगा या पागल कर देगा मुझे। कुछ देर के बाद जब मेरे जहन पर से तमाम खौफ मिट गया तो मैंने आंखें खोलते हुए कहा, आफताब असल में मेरा मंगेतर था, अब्बू के बहुत ही अच्छे और गहरे दोस्त कमाल अहमद का बेटा था। इंतहाई शरीफ फैमिली थी, इसलिए अब्बू ने आफताब के मुतल्लिक किसी किस्म की तहकीक किए बगैर रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। चंद दिनों बाद आफताब से मेरी मंगनी हो गई और मंगनी के 1 बरस बाद रुखसती का प्रोग्राम तय पाया था। लेकिन 6 माह बाद ही अंकल कमाल अहमद मेरे अब्बू के पास पहुँचे और हमारी तरफ से मंगनी में आफताब को दी हुई अशिया वापस करते हुए कहने लगे, सलीम साहब, मेरे दोस्त, मेरे भाई, इन अशिया को वापस करने से पहले बेहतर था कि मुझे मौत आ जाती। लेकिन भाई, मैं भी बेटियों वाला हूँ, सब कुछ जानते बूझते मैं अतिया बेटी को तबाही के कुएं में धकेलना नहीं चाहता। आफताब मेरा अकलौता बेटा है, कौन बाप अपने बेटे के लिए बुरा सोचेगा। लेकिन मेरे दोस्त, काश अल्लाह ने मुझे बेटा दिया ही ना होता। वो दहशतगर्द बन चुका है, महज इसी की वजह से मुझे 3 बार पुलिस थानों और कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़े थे। महज आफताब की वजह से मोहल्ले में, रिश्तेदारों और कराबतदारों में मेरी साख का जनाजा निकल चुका है। शुरफा ने अपनी बेटियों को मेरे घर जाने से रोक दिया है। मस्जिद हो या मार्केट, लोग मुझसे कतरा कर निकल जाते हैं। ये देखिए, मुल्क के तमाम बड़े अखबारात में मैंने आफताब से कतई ताल्लुक होने का ऐलान कर दिया है। ये कहते हुए उन्होंने अखबारात का पलंदा अबू के सामने डाल दिया। वो सरापाए शैतान बन चुका है। उसने बहुत सी दोशीज़ाओं की दोशीज़गी को पामाल कर दिया है। कई बेगुनाह जवानों को कत्ल कर दिया है, डाके डाले हैं, बैंक लूटे हैं। ये मंगनी की अशिया वापस करते हुए मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं हो रही, ना ही मंगनी टूटने से आपको निदामत का सामना करना पड़ेगा। इसलिए भी कि अखबारात आफताब के शैतानी कारनामों से फ्रंट पेज पर उसकी फ़ोटो के साथ कवरेज देते रहे हैं। इस तरह बात आई गई हो गई और मैंने भी अल्लाह का शुक्र अदा किया कि एक शैतान सिर्फ इंसान से अल्लाह ने जान छुड़ा दी। मंगनी तो टूट गई लेकिन आफताब ने मेरा पीछा ना छोड़ा। उसकी बैक मजबूत थी, उसकी पुश्त पर बैनुल मुल्की स्याही जमात का हाथ था। वो गिरफ्तार हो जाता और 5-7 रोज़ बाद फिर उसकी रिहाई हो जाती।
वो जितने रोज भी जेल में रहता उसे वीआईपी कैदी की सहूलियात हासिल रहती। बहरहाल वो अक्सर व बेशतर राह चलते मुझे रोक लेता और मुझसे अपनी मोहब्बत के इजहार में बहुत से घिसे पिटे फिल्मी डायलॉग बोलता। उसे पीछा छुड़ाने के लिए मैंने मदद के लिए राहगीरों की तरफ देखा, लेकिन कोई भी मेरी मदद का हौसला ना कर पाता, क्योंकि लोग भी जान चुके थे कि यह किस कदर शैतान सिफत आदमी है। उसने दावा किया था कि वो हर कीमत पर मुझे हासिल करके रहेगा। अगर मेरे वालिदैन ने कहीं और मेरा रिश्ता कर दिया तो ऐन निकाह वाले दिन वो दूल्हे की बारात को मातमी बारात में बदल देगा। उसने ये भी कहा था कि वो मर कर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। मेरा कसूर ये था कि मैंने आफताब की ओछी हरकतों, चैलेंज और गीदड़ भपकियों का अपने वालिदैन से कोई तस्करा नहीं किया था। मैं जानती थी कि आफताब महज डरा धमका रहा है, फिर क्यों वालिदैन को किसी किस्म के जहनी कर्ब में मुबतला करूं। बिला आखिर एक रोज़ एक शरीफ ख़ानदान को मौत के घाट उतारने के बाद माल लूटते हुए उसे बैक वक्त 3 रेंजर्स की गाड़ियों ने घेर लिया। 2 घंटे तक फायरिंग का तबादला होता रहा और फिर वो रेंजर्स के जवानों की गोलियों का निशाना बन गया। ना सिर्फ मैंने सुख का सांस लिया बल्कि बहुत से इलाके वालों ने उसकी मौत पर मिठाइयाँ बांटी। अंकल कमाल ने अपने बेटे की लाश लेने से भी इनकार कर दिया, लिहाजा उसे लावारिस करार देकर कहीं ना कहीं दफना दिया गया। आफताब की मौत को 10 रोज़ भी गुजरे नहीं पाए थे कि एक ऐसा वाकया रोनमा हो गया कि मेरा रुआं रुआं खौफ से कांप उठा। हुआ ये कि ऐन दोपहर के वक्त जब मैं कॉलेज से घर लौट रही थी और फेडरल बी एरिया के यूसुफ प्लाजा को अबूर करके प्लेग्राउंड के किनारे किनारे चलती हुई अपने घर की तरफ बढ़ रही थी कि अतिया, ये कहती हुई एक तेज़ खोखली और गैर इंसानी मर्दाना आवाज़ सुनकर मैं इस तरह उछल पड़ी जैसे मैंने अपने दोनों पैर अंगारों पर रख दिए हों। मैंने धड़कते दिल के साथ दाएं जानिब गर्दन घुमाई। बहुत तेज़ धूप थी, इस कदर तेज़ कि आंखें चुंधिया रही थीं। गर्मी का ये आलम था कि मेरा यूनिफॉर्म तक भीगा हुआ था। धूप की शिद्दत से मेरे गाल खून की तरह सुर्ख पड़े हुए थे और सन्नाटे का ये आलम था कि करीब और दूर इंसान तो कुजा कुत्ते का पिल्ला भी नज़र नहीं आया था। ऐसे में किसी मर्द की बलगमी आवाज़ की गूंज मेरे लिए इंतहाई सनसनीखेज साबित हुई। जैसे ही मैंने गर्दन मोड़ी, प्लेग्राउंड की हदबंदी दीवार पर अपनी कोहनियाँ टिकाए आफताब खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था। उसके चेहरे पर मुर्दे ही के चेहरे जैसी वहशत थी। 10-12 कदमों का फासला होने के बावजूद मैंने उसकी आंखों से शोले से निकलते महसूस किए। उसके दांत ऐसे थे जैसे कोई बावला कुत्ता अपने शिकार पर झपट पड़ना चाहता हो। यकबारगी मेरा दिल उछलकर मेरे हलक में आ गया, गो के मुझ पर सख्ता सा तारी हो गया, लेकिन मैंने यूं महसूस किया जैसे मेरे जिस्म से जान ही निकल गई हो। इस शिद्दत से मुझे चक्कर आया कि किताबें मेरे हाथों से छूट गईं। मेरी आंखों के गिर्द अंधेरा छा गया और मैं अपने दोनों हाथों से कनपटियां थाम कर लहराने लगी और फिर तेवरा कर सुलगती जमीन पर गिर पड़ी। मेरा शऊर अंधेरे की अथाह गहराइयों में डूब चुका था। जब मुझे होश आया तो मैं अपने कमरे में अपने बेड पर पड़ी थी। सीलिंग फैन पूरी स्पीड से घूम रहा था और अम्मी जान मेरे सरहाने बैठी हुई मेरे बालों में उंगलियां फेर रही थी। अरशद भाई जान डॉक्टर के हमरा उनका फर्स्ट एड बॉक्स लिए कमरे से निकल रहे थे और मेरी भाभी अपने दोनों बच्चों को गोद में लिए सोफे पर बैठी थी। मुझे होश में पाकर भाभी भी मेरे करीब पहुंच गई और अम्मी के चेहरे पर भी सुकून के आसार छा गए। क्या हुआ था मुझे अम्मी? कुछ नहीं बेटा, असल में तुम्हारे भैया को बस स्टॉप तक जाने में कुछ देर हो गई थी। वो जब तुम्हें लेने मोटरसाइकिल पर रवाना हुआ तो तुम्हें रास्ते में ही बेहोश पड़ा पाया। डॉक्टर के मुताबिक धूप और गर्मी की शिद्दत से तुम्हारा बीपी बहुत गिर गया है, इसलिए तुम बेहोश हो गई थी। अम्मी का जवाब और डॉक्टर की तशखीस बेशक अपनी जगह दुरुस्त हो, लेकिन आफताब का सफाकाना चेहरा मेरे शऊर पर उभर आया था। फौरी तौर पर मैंने एक फैसला कर लिया कि मेरी किस्मत में जो होगा सो मैं भुगत लूँगी। बिला वजह असलियत बताकर अपने प्यारों का सुकून क्यों बर्बाद करूँ? मैं जानती हूँ मेरे सभी अजीज मुझे बहुत चाहते हैं। मेरी मामूली सी तकलीफ भी उन्हें बिलबिला कर रख देती है। अगर उन्हें बताती हूँ कि आफताब बदरू बन चुका है तो उनकी तो रातों की नींद और दिन का चैन उचाट होकर रह जाएगा। मैंने किसी से कोई जिक्र नहीं किया और अपने मामूलात में मसरूफ हो गई। भाईजान रोज़ाना ही बस स्टॉप पर पहुँच जाते और मैं उनके साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर घर पहुँच जाती। आफताब की मौत के बाद अब दूसरा ऐसा वाक्या मुझे दरपेश हुआ जिसे सुनकर लोग भी मेरा मजाक उड़ाते थे।
पहले वाक्य के सातवें रोज शाम के 4 बजे मैं नहाने की गर्ज से गुसल खाने में दाखिल हो गई। दरअसल पड़ोस की एक शुरफा फैमिली में शादी की तकरीब थी और मुझे भी उस तकरीब में शरीक होना था। मेरी अम्मी और भाभी और दोनों भतीजे पहले ही से तकरीब में जा चुके थे। भाईजान अपने जाती मेडिकल एंड जर्नल स्टोर में थे और अब्बू अपने कमरे में सोए हुए थे। कॉलेज से लौटने के बाद मैं भी लंच से फारिग होकर सो चुकी थी और कसलमंदी मिटाने के लिए नहाने की गर्ज से गुसल खाने में चली गई थी। दरवाज़ा बंद करने के बाद लिबास उतार कर मैं शॉवर के तले खड़ी हो गई और नहाती रही। थोड़ी देर बाद जब मैं अपने सर और जिस्म पर साबुन मल रही थी, मेरी पीठ शॉवर की तरफ थी और चेहरा उस बड़े आईने की तरफ था जहाँ एक तरफ खूंटी पर तौलिया रखा था तो दूसरी तरफ खूंटी से मेरा लिबास लटका हुआ था। हाँ तो सर के बालों पर साबुन मलने के बाद मैंने जैसे ही अपने जिस्म पर साबुन मला तो एकदम गहरी गहरी सांसों की आवाज़ सुनकर मैं यकायक गैर मुतहरिक हो गई। बिल्कुल यूं लगा जैसे कोई थका हुआ दरिंदा जल्दी जल्दी और गहरी गहरी सांसें लेने लगा है। मैंने घबरा कर सर उठाकर शॉवर की तरफ देखा। शॉवर बंद था लेकिन तनफ्फुस की गहरी गहरी गूंज जारी थी। फरते खौफ से मेरी शरियानों में दौड़ने वाला खून एकदम जैसे जमकर रह गया। नहा रही हो अतिया? फिर एक खोखली सी मर्दाना आवाज सुनकर मेरा जहन भक से उड़ गया। दिल ने धड़कना छोड़ दिया और मेरी सांसें मेरे सीने में घुट कर रह गईं। डरो नहीं अतिया, मैं हूं तुम्हारा सच्चा आशिक आफताब। खोखली और फटी हुई आवाज की गूंज ने मुझे साकित और जामित करके रख दिया। मेरे हलक में कांटे से पड़ गए और मैं चीख भी ना सकी। इसके बावजूद सिर्फ मैं सुन रही थी और एक एक लफ्ज जहन नशीन कर रही थी। सिर्फ चंद रोज गरूब रहने की वजह से तुम ये समझ बैठी कि आफ्ताब कभी तुलू होगा ही नहीं? मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम्हारे संगे मरमर की तरह तराशे हुए जिस्म का एक एक हिस्सा देख रहा हूँ, लेकिन अफसोस कि फिलहाल तुम्हें छू नहीं सकता। मैंने कहा था ना कि तुम मेरी रूह हो, मैं मरकर भी तुम्हें जरूर हासिल करूंगा। मैं जा रहा हूँ अतिया, ये अजम लेकर कि आइंदा तब आऊंगा जब मैं तुम्हें छू सकूं। फिर मैं खेलूंगा, तुम्हारे जिस्म से खेलूंगा। उस वक्त तक खेलता रहूंगा जब तक तुम मेरे बच्चे को जन्म नहीं दे देती। लिख लो अपने दिल पर इस बात को कि एक दिन तुम मेरे बच्चे को जरूर जन्म दोगी। आवाज फिर धीमी होती गई, गहरी और खोखली सांस की आवाजें भी रुक गईं और मेरे हवास तेजी से बहाल होने शुरू हो गए। मैंने गैर इरादी तौर पर शॉवर खोलने के लिए हाथ बुलंद किया तो मेरी नजरें आईने की तरफ उठ गईं। मैंने देखा मेरा चेहरा हल्दी की तरह जर्द हो चुका है, मेरी आंखें बेजान सी हो गई हैं और जब मैं नहा चुकी तो लिबास बदलते वक्त मैंने अपने रगों पे में कपकपाहट सी महसूस की। फिर आफताब का जुमला मेरे जहन पर आंधियां सी चलाने लगा। उसने कहा था कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम्हारे संगे मरमर की तरह तराशे हुए जिस्म का एक एक हिस्सा देख रहा हूँ। इस जुमले के एक एक लफ्ज़ ने मुझे शर्मो हया में लपेट लिया और मैं छुई मुई सी बन गई।